पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, व्योममित्र। व्योममित्र जो है भारत की पहली महिला रोबोट होगी जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। ठीक है ना, भारत का इसरो 2024 की तीसरी तिमाही में मानव रहित व्योममित्र मिशन की तैयारी कर रहा है जो कि देश को 2025 में विशाल गगनयान मिशन की ओर प्रेरित करेगा। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, मिशेल ओनिन को। ये है मिशेल ओनिन जिनको आयरलैंड का, उत्तरी आयरलैंड का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है। तो अब उत्तरी आयरलैंड की बात है तो ये है मैप में उत्तरी आयरलैंड। इसकी कैपिटल क्या है? बेलफास्ट। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और पीएम कौन है? डेविड कैमरून। डेविड कैमरून यहाँ के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल वीज़ा को पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, फ्रांस। ठीक है ना, फ्रांस जो है डिजिटल वीज़ा को पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है। अब बात है फ्रांस की तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक है ना, करेंसी क्या है? यूरो है यहाँ की करेंसी। और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब बात है फ्रांस की तो फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, बिहार में। ठीक है ना, बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी चाग इलाके में 120 फुट ऊंचे बापू टावर के भवन का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। बापू टावर का निर्माण पर्यावरण प्रबंधन तथा सतत विकास के उच्च मानकों तथा वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया है। अब बात है बिहार की तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? बिहार की कैपिटल है पटना। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र आलकेकर यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हेज गोम्ब का निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, नामीबिया। नामीबिया की यह राष्ट्रपति हैं इनका हाल ही में निधन हुआ है। अब बात है नामीबिया की तो ये है मैप में नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंडहोइक। विंडहोइक यहाँ की कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? सारा क्विंगिंग वाला यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। करेंसी क्या है? नामीबियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, ओलेंग कोनोनेको जो है स्पेस में सर्वाधिक समय होने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने, यह रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय का अंतरिक्ष में रहने के साथ अंतरिक्ष की सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के आर मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, यू ललित। ठीक है ना,
केआर मंगलम विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में संस्थान गर्व से भारत के प्रतिष्ठित पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति यूयू ललित का द स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज में प्रख्यात न्यायविद और प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में स्वागत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत रंग महोत्सव जो है ऑप्शन बी राइट होगा, गुजरात में शुरू हुआ है। ठीक है ना, अब बात है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। गुजरात भारत में भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में भी उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, BR अंबेडकर। ठीक है ना, भुवनेश्वर के बारामुंडा इंटर स्टेट बस टर्मिनल का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा, जो कि भारतीय संविधान के पिता हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की है। नवीन पटनायक जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बस टर्मिनल के रूप में पुनः विमान स्थल के रूप में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दसवां क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरेट्रोस्थनीज का पता लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, इसराइल देश के वैज्ञानिकों ने। ठीक है ना, इसराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास पानी के नीचे घाटी में एरेट्रोस्थनीज का पता लगाया है। इसराइली वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास एक नए अंडर वाटर कैनियन की खोज की है। इस कैनियन को एरेट्रोस्थनीज के नाम से जाना जाता है, जो समुद्री पहाड़ के पास है। इसकी उत्पत्ति मैसिनियन घटना के समय हुई थी, जो लगभग 5.5 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। यह कैनियन लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा और 500 मीटर गहरा है और मैसिनियन अवधि की शुरुआत पर जल के नीचे था, जब नमक की परत की डिपोजिशन के पहले बराबर हुआ था। इसका निर्माण तब हुआ था जब मेडिटेरेनियन सागर का स्तर कम हो गया। तब वह समय जल की लवणता में बढ़ोतरी हुई, जिससे भारवाही धाराएं या घने हलका उत्पन्न हुआ, जो अंडर वाटर ढलानों को अस्थिर करने और समुद्र तल के डूबने का कारण बने। ठीक है ना, अब बात है इसराइल की, तो ये है मैप में इसराइल। इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। जेरूसलम इसराइल की कैपिटल है। करेंसी क्या है? इसराइल न्यू साइकिल यहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यारहवां क्वेश्चन है, ग्रेमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, दिस मोमेंट। ठीक है ना, शक्ति को दिस मोमेंट के लिए 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड दिया गया है। इस एल्बम में चार भारतीयों के साथ इसके संस्थापक सदस्य प्रसिद्ध ब्रिटिश गिटार वादक जॉन मैकलागिन भी शामिल हैं। दिस मोमेंट जून 2023 में रिलीज हुआ था। शक्ति के लिए पुरस्कार के अलावा जाकिर हुसैन की दो अन्य पुरस्कार भी जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, राजेंद्र प्रसाद को। ये हैं राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे कि स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, जस्टिस रितु बहारी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई हैं।
जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है ना, उपेंद्र द्विवेदी जो कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 फरवरी से प्रभावी नए सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यह परिवर्तन एक निर्बाध उत्तराधिकारी योजना का प्रतीक है क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी इस भूमिका में कदम रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा, PT ऊषा। ठीक है ना, महान धाविका PT ऊषा को रविवार 4 फरवरी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी कैप टाउन, ऑप्शन सी लंदन या ऑप्शन डी नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2023 का दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा बना है। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी 31 को आप फॉलो कर सकते हैं तथा डेली करेंट अफेयर्स वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।